ऑलराइट गाइस, सो अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया कि ये हमारा जो कमेंट था उसको हमने सबसे पहले मॉडल बनाया। मॉडल बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक बेसिक टेम्पलेट स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को आगे लेकर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये जो हमारा आ रहा है कमेंट शो हो रहे हैं एक ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग, वो किस तरह से होंगे। तो ये चीज़ हम जो है आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे urls.py हैं, यानी कि यहाँ पर जो मैंने सारी की सारी चीज़ें फैला रखी हैं, मैं क्या करूँगा जल्दी से सारे क्लोज टू द राइट कर दूंगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मेरा आई कोडर, जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके urls हैं, उसके बाद मेरे ब्लॉग के urls को लेकर आऊँगा यहाँ पर। तो ये मेरे ब्लॉग के urls हैं और अभी मैं सिर्फ अपने ब्लॉग में फोकस्ड हूँ। मैं होम वाली ऐप में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा इस टाइम पर, ठीक है। मैं सिर्फ ब्लॉग वाली ऐप में जो कॉमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले कराऊँगा। तो मैं कुछ APIs बनाऊँगा। एक तो मैं पोस्ट कमेंट नाम की API बनाऊंगा और उसको मैं रख दूंगा कुछ इस तरह से, पोस्ट कमेंट। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, व्यूज डॉट पोस्ट कमेंट, नेम इज इक्वल टू भी कर देता हूँ पोस्ट कमेंट, ठीक है। एक बार ये चीज़ हो जाएगी तो व्यूज सॉरी एक बार ये चीज़ हो जाएगी तो क्या होगा कि मैं इस API का इस्तेमाल करके जो कमेंट है वो पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पोस्ट कमेंट हो गया। इसी के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने पोस्ट कमेंट यहाँ पर रख दिया। जो भी मुझे एंड पॉइंट आगे चाहिए होगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ API टू पोस्ट अ कमेंट। मुझे जो भी चीज़ें चाहिए होंगी मैं यहाँ से यहाँ पर API बनाकर उसको जो है यूज़ कर लूँगा। तो इस टाइम पर मैं क्या करूँगा, ब्लॉक के जो views.py हैं उसमें एक जो मेरी ये API अभी जिसकी मैंने बात करी है, जिसका नाम है मेरा क्या, पोस्ट कमेंट, उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो पोस्ट कमेंट बेसिकली क्या करेगा, कमेंट को पोस्ट करेगा। और ऑब्वियसली मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट मेथड को करूँगा इक्वस टू पोस्ट, यानी कि अगर मेरा रिक्वेस्ट मेथड जो है वो पोस्ट है तब क्या करूँ, तब यहाँ पर मैं कुछ करूँगा जो कि मैं अभी नहीं करना चाहता। और एक बार कमेंट पोस्ट हो जाता है तब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रीडायरेक्ट कर दूंगा अपने यूज़र को। कहाँ पर मैं अपने यूज़र को रीडायरेक्ट कर दूंगा, होम पेज पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट स्लैश कर दूंगा। और रीडायरेक्ट मैंने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया था तो मैंने वो भी इंपोर्ट कर लिया है अभी। सो यहाँ पर मेरा सर्वर चल रहा है और ये सर्वर मेरा क्योंकि चल रहा है मैं यहाँ पर इसको रिलोड कर सकता हूँ अभी। और यहाँ पर अब क्या होगा कि जो मेरा पोस्ट कमेंट वाली API है ये मेरी मदद करेगी कमेंट को पोस्ट करने में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ब्लॉक के मॉडल्स में से जो मेरा ब्लॉक कमेंट मॉडल है वो भी मैं यहाँ पर ले आता हूँ। जब मैं एक ब्लॉग पोस्ट लेकर आऊँगा तो सबसे पहले तो वो पोस्ट मैं यहाँ पर ले लूँगा, उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा उसके करस्पॉन्डिंग जो कमेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर ले लूँगा। तो वो मैं लिखूँगा यहाँ पर ब्लॉग कमेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, जो मेरा ब्लॉग कमेंट्स हैं कौन से कमेंट्स ले आओ, इस पोस्ट के करस्पॉन्डिंग ले आओ। तो मैं कहूँगा पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि मैं ये कह रहा हूँ देखो भाई ऐसा है कि जो इस पोस्ट के करस्पॉन्डिंग कमेंट्स हैं वो मुझे दे दो और यहाँ पर मैं पोस्ट भेजूँगा और उसी के साथ साथ कमेंट्स भी भेजूँगा, ठीक है। पोस्ट और कमेंट्स दोनों मैं यहाँ पर भेजूँगा कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैंने ये कर दिया तो सारे कमेंट्स मुझे मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप लोग देखना क्या होगा, एक बार मैंने ये काम कर दिया तो मैं सारे के सारे कमेंट्स को अपनी टेम्पलेट में भेज पाऊंगा और एक बार टेम्पलेट में भेज दिया तो वहाँ पर मैं डिस्प्ले करा पाऊंगा। लेकिन उससे भी पहले मैं चाहता हूँ अपने इस पोस्ट कमेंट वाली जो मेरी API है ये काम करे, क्योंकि ये वो API है जो कि मुझे कमेंट पोस्ट करने में मदद करेगी, ठीक है। तो कमेंट को अगर मैं पोस्ट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो कमेंट का एक्चुअल टेक्स्ट चाहिए, फिर कौन सा यूज़र उसको पोस्ट कर रहा है वो चाहिए, फिर पोस्ट चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मैं ज़रा ले लेता हूँ। टाइम स्टैम्प नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑटोमेटिक रहेगी, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ उसको। और मैं इसको बिल्कुल भी एज इट इज़ नहीं रखूँगा, आप लोग ये मत सोचना कि मैं इसको एज इट इज़ रखूँगा। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी यूज़ करूँगा। और एक बार मैंने ये सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए, मैं शिफ्ट और एंड दबाऊँगा और बैक स्पेस दबाऊँगा, फिर यहाँ पर इक्वल्स टू लिख दूंगा, ठीक है। जो भी चीज़ मुझे यहाँ पर लानी होगी वो मैं ले आऊँगा। सीरियल नंबर ऑटोमेटिक है इसलिए इसको इग्नोर करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट और इसको मैं कमेंट लिख दूंगा यहाँ पर इस तरह से। यूज़र हो जाएगा मेरा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। उसी के साथ साथ मेरा पोस्ट क्या होगा, किस पोस्ट का कमेंट है, मैं यहाँ पर लिखूंगा पोस्ट
सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पोस्ट आईडी को लेकर आऊँगा। और अभी ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैं कुछ इनकम्प्लीट सी बातें कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे कंप्लीट करने दो। बस अभी ये समझ लो कि टेम्पलेट से ये सारी चीज़ें आ रही हैं, कमेंट आ रहा है यूज़र, तो मेरा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है। पोस्ट आईडी एक आएगी, कहाँ से आएगी पोस्ट आईडी? पोस्ट आईडी मेरी आएगी मेरी टेम्पलेट में से, मैं जो पोस्ट की आईडी है वो दूंगा। और पोस्ट आईडी के बाद मैं पोस्ट को कैसे लूँगा, मैं कहूँगा पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। आप गेट यूज़ करेंगे तो सिर्फ आपको एक मिलेगा, ठीक है। तो इस पोस्ट आईडी की, और मैं यहाँ पर लिखूंगा पोस्ट मेरा कहाँ पर है, मैं ज़रा देख लेता हूँ यार, पोस्ट में सीरियल नंबर है तो पोस्ट आईडी ना करके इसको एसएनओ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एसएनओ इज इक्वल टू, और मैं लिख दूंगा पोस्ट एसएनओ, तो इस सीरियल नंबर का जो पोस्ट है वो मुझे यहाँ मिल जाएगा। इसका पेरेंट क्या है अभी के लिए, इसका पेरेंट क्या होगा अभी के लिए? इसका पेरेंट मैं कुछ भी नहीं दूंगा, यानी कि ये एक रिप्लाई नहीं है, ये एक नॉर्मल कमेंट है। और रिप्लाई कैसे हैंडल करना है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। और यहाँ पर मैंने सारी की सारी चीज़ें एड्रेस कर दी हैं, ये ऑटोमेटिक था। कमेंट हम लेकर आएंगे टेम्पलेट से, यूज़र मेरा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र होगा, पोस्ट मेरा क्या है, किस पोस्ट में कमेंट किया जा रहा है वो मैंने ग्रैब कर लिया आईडी की मदद से। उसके बाद पेरेंट उसका क्या है मैं खाली छोड़ दूंगा, यानी कि नल वहाँ पर आ जाएगा, जिसका मतलब है कि वो एक डायरेक्ट कमेंट है, ठीक है। टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली नाउ हो जाता है। आप नाउ को इस तरह मत लिख देना गलती से, नाउ को ऐसे लिखना है ताकि जब भी आप ऐड करें तब आपका ये ऑटोमेटिकली कॉल हो के जो वो टाइम चल रहा है, जिस टाइम पर वो कमेंट पोस्ट हुआ है, वो टाइम यहाँ पर आ जाए, ठीक है। ये करने के बाद क्या होगा कि आप यहाँ पर क्या करें, आप लिखें कमेंट इज इक्वल टू ब्लॉक कमेंट, आप लिखें कमेंट इज इक्वल टू कमेंट, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, और पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। यानी कि आपने कमेंट यूज़र और पोस्ट दे दिया, कमेंट यूज़र और पोस्ट दे दिया, ठीक है। टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिक है, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक है, पेरेंट तो नल कर दो अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली हम लोग इसको एक कमेंट मान रहे हैं। फिर कमेंट डॉट सेव, दैट्स इट, आपका जो कमेंट है वो सेव हो जाएगा। एक बार आपने ये कर लिया तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल एस कर दिया। एक काम करते हैं, जो हम होम में मैसेजेस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे ना, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने मैसेजेस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया था। कहाँ गए मेरे मैसेजेस? मैंने होम में मैसेजेस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया था, होम है, अबाउट है, जहाँ पर लॉग इन हो रहा था वहाँ पर मैंने मैसेजेस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया था, मैसेजेस डॉट एरर ये रहा। तो मैसेजेस कहाँ पर मैंने किए रहा मैसेजेस, तो मैं यहाँ पर मैसेजेस को इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा मैसेजेस डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट, और यहाँ पर लिख दूँगा योर कमेंट हैज़ बीन पोस्टेड सक्सेसफुली। और मैं काम करता हूँ, रीडायरेक्ट करूँगा कहाँ पर, उसको रीडायरेक्ट करूँगा जो मेरा इस पोस्ट का स्लग है उस पर रीडायरेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, अगर मैं जाऊँ यहाँ पर ब्लॉग में, तो स्लैश ब्लॉग स्लैश, मैं यहाँ पर लिख दूंगा पोस्ट डॉट स्लग, तो जिस पोस्ट से वो आया है वहीं पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ से कमेंट करो और होम में रीडायरेक्ट हो जाओ, तो आपको लगेगा ये क्या हुआ, मैंने कमेंट मारा मैं होम में कैसे पहुँच गया। अगर आप किसी की फ़ोटो पे कमेंट मारो फेसबुक पे और आप फेसबुक होम पे आ जाओ कमेंट मारने के बाद, तो आपको कितना बुरा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम ये API को यूज़ करेंगे, लेकिन इस API का यूज़ करेगी मेरी टेम्पलेट। और मेरी टेम्पलेट कहाँ पर है? मेरी टेम्पलेट यहाँ पर है, ब्लॉग पोस्ट डॉट HTML। मैं एक यहाँ पर फॉर्म बनाऊँगा, एक बहुत ही क्विक फॉर्म बनाऊँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर्म पोस्ट, और यहाँ पर एक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा स्लैश पोस्ट कॉमेंट, ठीक है, स्लैश ब्लॉग स्लैश पोस्ट कॉमेंट, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट रहेगा। एक यहाँ पर इनपुट कुछ दूंगा, एक नहीं कुछ इनपुट दूंगा यहाँ पर। क्या क्या रहेगा इनपुट? एक तो मेरा रहेगा यहाँ पर कमेंट, क्या कमेंट पोस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। नेम इज इक्वल टू कमेंट करता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूंगा प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर कमेंट हेयर, ठीक है। फिर क्या चीज़ है, कमेंट के बाद मेरा पोस्ट का सीरियल नंबर, मेरे पोस्ट का जो सीरियल नंबर है वो आ जाएगा। तो मेरे पोस्ट का सीरियल नंबर मैं एक टाइप इज इक्वल टू हिडन इनपुट बनाऊंगा, और यहाँ पर इसका प्लेस होल्डर नहीं दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट बनाऊंगा, और वैल्यू इज इक्वल टू लिख दूंगा यहाँ पर
सबमिट, ठीक है। और मुझे पता है ये डिज़ाइन वाइज बहुत घटिया दिखने वाला है, तो मुझे मत बताना आप लोग कि ये घटिया दिख रहा है, क्योंकि हम उसको आगे फिक्स करेंगे, ठीक है। तो जो पोस्ट का सीरियल नंबर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मेरा पोस्ट है पोस्ट का सीरियल नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोस्ट डॉट एस एन, और पोस्ट क्या है, हम यहाँ पर भेज रहे हैं पोस्ट, ठीक है। सेव किया, अगर मैं इसको अभी रिलोड करूँ तो यहाँ पर एक डब्बा मिल गया, एंटर कॉमेंट एयर, दिस इज अ कॉमेंट, सबमिट करूँगा। और यहाँ पर ये कह रहा है सी एस आर एफ वेरीफिकेशन फील्ड, ओ माई गॉड ये क्या हुआ। अगर आप लोगों ने मेरा ये सी एस आर एफ वाला वीडियो देखा है तो आप लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे। इसमें मैंने बताया है कि आपको जब भी एक मेथड इज इक्वल टू पोस्ट वाला फॉर्म डालना है तो आप लोगों को सी एस आर एफ टोकन इस तरह से लगाना पड़ेगा। और एक बार आपने ये कर दिया तो पेज को रिलोड कर लेना, फिर उसके बाद दिस इज़ अ कॉमेंट लिखना और सबमिट करना, और यहाँ पर आपका जो कॉमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हुआ भी सबमिट या नहीं हुआ। तो यहाँ पर नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ, नीचे तक स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर ये हो गया स्लैश ब्लॉग पोस्ट कॉमेंट, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ देखना चाहता था, मैसेज मुझे नहीं मिला यहाँ पर, योर कॉमेंट हैज़ बीन पोस्टेड सक्सेसफुली, तो ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ मैंने ज़रूर कोई ना कोई गलती करी है। तो मैंने जहाँ पर अपने इस views.py में जहाँ पर मैसेजेस यूज़ किए हैं वो कहाँ पर यूज़ किए, मैंने हैंडल साइनअप में किए हैं, ठीक है। तो अगर मैं टैम्पलेट्स में जाऊँ तो बेस के अंदर क्या मैंने लगाया है अपना मैसेज, हाँ तो मुझे ये जो चीज़ है ये स्निपेट यहाँ पर जो है मैसेज जाना चाहिए था। तो क्या ये मैसेज गया यहाँ तक या नहीं गया, ये चीज़ ये एक सवाल है, क्योंकि मुझे मैसेज अभी यहाँ पर मिला नहीं जब मैंने कॉमेंट पोस्ट किया। दिस इज़ अ कॉमेंट टू लिख के पोस्ट करता हूँ, मेरा कॉमेंट पोस्ट हुआ कि नहीं ये देखता हूँ मैं सबसे पहले। मेरा कॉमेंट भी पोस्ट नहीं हुआ बाय द वे, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ब्लॉग कॉमेंट्स में जाऊँ तो मेरा कॉमेंट भी पोस्ट नहीं हुआ और मुझे कोई एरर भी नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं है जो मैंने एंड पॉइंट दिया है इसको वो गलत दे दिया है। तो यहाँ पर ज़रा चेक कर लेते हैं एक बार, व्यू पेज सोर्स करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो मेरा फॉर्म आया है वो सही से स्लैश ब्लॉग स्लैश पोस्ट कॉमेंट। तो क्या यही वो एक्शन इज इक्वल टू ये किया मैंने, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट किया। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो मैंने क्रिएट नहीं करी है यहाँ पर, क्या यही वो एंड पॉइंट है। और ओके, सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है स्लैश ब्लॉग स्लैश पोस्ट कमेंट लिखने पर, एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये क्या कर रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये यहाँ पर जब मैं ये मैच होने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, तो ये यहाँ str slug से मैच कर जा रहा है, तो मुझे इसको नीचे लाना होगा, इसको ऊपर लाना होगा ताकि ये पहले मेरा मैच हो। तो ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर इस वाले से मैच हो जाएगा, तो आप लोगों को ये वाला जो है इसको ऊपर लाना पड़ेगा और जो str slug वाला है उसको नीचे करना पड़ेगा। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैंने इसको ऊपर इसलिए किया क्योंकि ये पोस्ट कमेंट को यहाँ ढूंढेगा, तो ये क्या करेगा इस वाले एंड पॉइंट पे चले जाएगा, ब्लॉग पोस्ट वाले एंड पॉइंट पर, और यहाँ पर डेटाबेस में सर्च करेगा पोस्ट कमेंट नाम का स्लग, जो कि मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं रिलोड करूँगा इसको और यहाँ पर ये कह रहा है पोस्ट कमेंट, ओके सो पोस्ट कमेंट नहीं, मैं सेकेंड पोस्ट वाले में आऊँगा और यहाँ पर दिस इज़ अ कमेंट लिख के सबमिट करूँगा। तो ये कह रहा है पोस्ट कमेंट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट स्लग, तो ये क्या है इसको ज़रा देख लेते हैं एक बार। तो ये कह रहा है कि जो पोस्ट कमेंट है उसको आपने स्लग नहीं दिया, ओके तो मैंने ये स्लग यहाँ से हटाना है, मुझे स्लग नहीं चाहिए यहाँ पर क्योंकि मैंने ऊपर से कॉपी किया था, ऊपर ये स्लग था यहाँ पर, तो ये गलती थी। चलो जी कोई बात नहीं, वापस से अपना कमेंट डाल के देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, और ये कह रहा है पोस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, देखते हैं। तो पोस्ट नहीं, हमारे मॉडल का नाम पोस्ट है, एक और गलती, कोई बात नहीं, फिर से अपना लग ट्राई करते हैं। और इस बार हमारा मैसेज यानी कि कमेंट पोस्ट हो चुका है सक्सेसफुली, वो हमारा कमेंट आ चुका है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ब्लॉग पोस्ट कमेंट, सॉरी ब्लॉग कमेंट ऑब्जेक्ट लिख कर आ रहा है, ये ना लिख कर आए, ये मुझे जो कमेंट है एक्चुअल में उसके कुछ फ्यू कैरेक्टर्स दिखाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा डेफ str, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूँगा सेल्फ डॉट कॉमेंट का 02, मान लो 3 कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे, 13 कैरेक्टर्स, और फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और फिर उसके बाद लिख दूंगा बाय और सेल्फ डॉट यूज़र, ठीक है, यहाँ पर प्लस कर दूंगा सेल्फ डॉट यूज़र। हाँ तो ये करने से क्या होगा कि मेरा जो मॉडल है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देखो, ओह ये कह रहा है कैन नॉट कंकैटिनेट str,
ओके सो सेल्फ डॉट यूज़र डॉट ईमेल या फिर यूज़र डॉट नेम एफ नेम, यूज़र ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एफ नेम, ओके तो मैं ईमेल ही कर देता हूँ यार इसको। ओके सो बाय कोई ईमेल है नहीं हैरी का इसलिए ऐसे दिखा रहा है, अगर ये यहाँ पर रोहन होता तो शायद मैंने रोहन का कोई ईमेल बनाया है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पेरेंट इसका क्या है, ये कह रहा है पेरेंट को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो मैं एनी वेज इसको मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं बस आप लोगों को ये दिखाना चाहता था इसको किस तरह मॉडिफाई करना है, पर ईमेल एक्चुअली है नहीं। अगर मैं इसको यहाँ पर नेम करूँ तो क्या दिक्कत आ रही है, मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है यूज़र ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेम, सो मैंने पहले भी गलती की थी और अभी भी मैं गलती कर रहा हूँ, मैंने अगर फर्स्ट नेम चाहिए तो मुझे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिखना पड़ेगा, हाँ, और अगर मुझे यूज़र नेम चाहिए तो यूज़र नेम लिखना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर यूज़र नेम लिखना चाहिए यूज़र डॉट यूज़र नेम। हाँ अभी यहाँ पर जो है हैरी लिख कर आ जाएगा देखो, और बाय के बाद एक स्पेस भी दे देते हैं यहाँ पर ताकि अच्छा दिखे। तो अगर आप इस तरह से अपने कमेंट्स को रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कमेंट किसने किया है क्या किया है, ठीक है। तो कुछ कमेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो मैं यहाँ पर ले आया हूँ, ठीक है आप लोगों के लिए। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को कि किस तरह से हमने ये जो हमारे ब्लॉग के कमेंट को पोस्ट करने का तरीका था वो हमने किस तरह से अपनाया, लेकिन ये जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर ये सारे के सारे कमेंट्स जो है शो होने स्टार्ट हो जाएं, ताकि काफ़ी अच्छा हमको ये जो एक्सपीरियंस है वो लगे, और उसी के साथ साथ ये कितना घटिया दिख रहा है एंटर योर कमेंट हियर, तो ये भी अगर अच्छा दिखने लग जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतना जितना मैंने बताया आप लोगों को इस वीडियो में। सो अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की गाइस अभी तक तो आप लोग इसको एक्सेस कर लें, ऊपर क्लिक करके बुकमार्क कर लेना और नीचे यहाँ क्लिक करके सेव ज़रूर कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।